गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम चीन के संविधान की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हमने अमेरिका और ब्रिटेन के सामाजिक आर्थिक आधार देखे संविधान के और वहाँ के संविधान की विशेषताएं देखी, उसी तरीके से हम आज BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में चीन के संविधान के सामाजिक अधिकार आधारों का विश्लेषण करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि वर्तमान संदर्भ में जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन आज एक महाशक्ति में के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। चीन के संदर्भ में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बहुत ही सही तथ्य दिया था, कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि चीन एक दानव है, यह अभी सो रहा है और जब ये सो जगेगा तो ये संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा। तो वो आज की स्थिति में यदि हम देखें बच्चों, तो वो बात सत्य साबित हो रही है। चीन ने अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, तकनीकी क्षेत्रों, पारिवारिक क्षेत्रों, सब में बहुत उसने उन्नति करी है और बहुत ही विकास करा है। तो आज हम चीन के सामाजिक आधारों का विश्लेषण करेंगे। चीन एक बहुजातीय देश है बच्चों, इसमें बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, अन्य देशों की भी जातियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। चीन में जो जिस जाति का प्रभुत्व है वो जाति है आपके हॉन जाति। हॉन जाति, जिन्हें चीनी लोग, चीनी जाति के नाम से जाना जाता है, ये 94% वहाँ की जनसंख्या के हैं। अन्य जातियों में मंगोल, हुई, तिब्बती, कोनियन, मंचू, ये सारी जातियाँ वहाँ हैं। इन जातियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता हमको दिखाई देती है, इनके व्यवहार में, इनकी संस्कृति में, इनके रहन सहन में, लेकिन विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पर एकता की स्थापना दिखाई देती है। चीन की मुख्य भाषा चीनी है, 75% जनता जो है यहाँ साक्षर है। कृषि यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है, प्रमुख व्यवसाय है। चीन में आज भी साम्यवादी दल का आधिपत्य है। साम्यवादी दल, जिसका कि हम यदि हम देखें तो चीन में, रूस में ये पूर्व में था, अब वहाँ पे जिस तरीके से उदारीकरण का दौर चला है वहाँ साम्यवाद जो है वो क्षीण पड़ गया है, लेकिन चीन में साम्यवादी दल का प्रभुत्व आज भी है। आर्थिक क्षेत्र में चीन ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जो कि विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वर्तमान में चीन को एक देश और दो दर्शन का प्रतीक माना जाता है। राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद, आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था, ये दो इसके दर्शन हमें चीन में दिखाई देते हैं। चीन की सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं को यदि हम देखते हैं तो पहली विशेषता है विविध राष्ट्रीयताएं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चीन में बहुत सारी जातियाँ हैं और चीनी जो जाति है इसका बाहुल्य है और वहाँ पर कहीं ना कहीं अनेकता में भी एकता स्थापित है। वहाँ का जो साम्यवादी दल है, जिसके हाथ में राजनीतिक शक्ति का नेतृत्व है, वो इस तरीके से शासन कर रहा है कि कहीं पर भी किसी को असंतोष का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा इसका सामाजिक आधार है परिवार की स्थिति। बच्चों, प्राचीन काल में चीन में परिवार की स्थिति को जब हम देखते हैं तो पुरुष प्रधान परिवार था, जिसमें कि पुरुषों का वर्चस्व था और स्त्रियों के साथ जो व्यवहार था वो सही नहीं था। स्त्रियां केवल घर तक ही सीमित थीं, उनको किसी भी तरीके के अधिकार वहाँ पर नहीं थे। उनके पास न राजनीतिक अधिकार थे, न सामाजिक, न सांस्कृतिक। 1949 में चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो उसके पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन आया। स्त्रियों को शोषण से मुक्त किया गया और उनको पुरुषों के समान ही अधिकार दिए गए। बहुपत्नी प्रथा वहाँ पूर्व में प्रचलित थी, उसको वहाँ पे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और वर्तमान में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष ही समस्त अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का सिद्धांत चीन में अपनाया गया है। स्त्री और पुरुष की बराबरी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। चीन में प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था की जब हम बात करें साम्यवादी क्रांति से पूर्व, तो वो धनाढ़ियों के अधिकार क्षेत्र में थी। केवल धनी वर्ग ही शिक्षा प्राप्त करता था, निर्धन वर्ग जो था उसके पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, और अगर प्राप्त भी करे तो वो बहुत ही महंगी शिक्षा थी। लेकिन 1949 में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो शिक्षा के विकास के लिए साम्यवादी दल ने प्रमुख कार्य किए और शिक्षा सभी के लिए उन्होंने आवश्यक कर दी। अशिक्षा को समाप्त करने के लिए लोगों को उच्च और तकनीकी शिक्षा दी गई। सरकार ने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया और नव युवकों को
साम्यवादी मूल्यों की शिक्षा दी गई ताकि ये भविष्य में जाकर साम्यवादी व्यवस्था के प्रति अपनी भक्ति स्थापित कर सकें। क्योंकि बच्चों ये आवश्यक है कि जिस देश में जिस प्रकार का संविधान है उन संविधान के मूल्यों की शिक्षा बालकों को देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्रात्मक मूल्यों की शिक्षा भारतीय संदर्भ में बच्चों को दी जाती है स्कूली शिक्षा से ही। तो इस तरीके से ये बच्चों हो गई आपकी शिक्षा व्यवस्था की बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सांस्कृतिक जीवन। चीनी संविधान का लक्ष्य था जनता का सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, व्यक्ति पूंजीवाद की भावना को छोड़कर समाजवाद और साम्यवाद को विकास करे। इसमें माओ का आपने नाम सुना होगा, चीन में माओ ने एक परंपरागत वर्जुआ संस्कृति की जगह समाजवादी साम्यवादी संस्कृति का विकास किया। वो समाजवादी संस्कृति को लाना चाहता था। माओ से तुंग के शब्दों में यदि हम देखें तो उन्होंने कहा है कि विश्व में समस्त साहित्य और कला निश्चित वर्गों से संबंध रखती है और कला आम जनता के लिए है, सर्वप्रथम मजदूर वर्ग के लिए है, किसान वर्ग के लिए, सैनिकों के लिए है, इसके लिए ही इन्हें बनाया गया है। चीन में कई त्योहारों का सेलिब्रेशन होता है, कई त्यौहार मनाए जाते हैं। 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। चिंगमिंग वहाँ एक त्यौहार होता है जिसमें चीन के लोग शमशान में जाते हैं और वहाँ पर दान दे के आते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। खेलों में वहाँ पर ताश, शतरंज, पतंगबाजी प्रमुख हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेले जाते हैं। सेना की भूमिका, चीन की सामाजिक व्यवस्था का आधार यदि हम देखें तो चीन में सेना की भूमिका बहुत ही प्रमुख है। चीन के संदर्भ में लुशियन पाई जो राजनीतिक विचारक रहे उन्होंने लिखा है कि विश्व में किसी भी देश में सैनिक राजनीति को इतना प्रभावित नहीं करते जितना कि चीन में करते हैं। तो सैनिकों का राजनीति पर प्रभाव है। आधुनिक समय में चीन की राजनीति में सेना और सैनिक अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो राजनीति है वो सेना के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चीन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही दुश्मनों का दमन करने में, शत्रु देशों के साथ मुकाबला करने में और विरोध का दमन करने में। तो इस तरीके से वहाँ पे सेना का वर्चस्व है। 1973 में साम्यवादी दल ने 10वें अधिवेशन में ये इस बात को उन्होंने स्वीकारा था और इस 10वें अधिवेशन का उद्देश्य सेना व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साम्यवादी दल का प्रतिनिधित्व था। तो कुछ इन्होंने अपने अधिकार जो थे वो साम्यवादी दल ने अपने हाथ में ले लिए थे और सेना पर एक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन फिर भी यदि हम वर्तमान में देखें तो सेना वहाँ पर प्रभावी है। दल की केंद्रीय समिति एवं राजनीतिक समिति में सेना का नियंत्रण कम कर दिया था परंतु फिर भी कई महत्वपूर्ण पदों पर आज भी सैन्य अधिकारी बने हुए हैं। तो बच्चों ये हमने बात करी चीन की सामाजिक आधार संविधान के। अब अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम चीन के आर्थिक आधार देखेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में चीन बहुराष्ट्रीय संदर्भ में यदि हम देखें तो विश्व के अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उसने एक मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया है, बाजारवाद की नीति अपनाई है जिससे कि इसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। दूसरे देशों से ये अपनी चीज़ों का आयात भी करता है और उनका निर्यात भी करता है। और इसके संविधान का भी, विशेषताओं का भी हम अध्ययन करेंगे क्योंकि चीन का संविधान जो है, नया संविधान 1982 में चीन का निर्मित हुआ और उससे पूर्व में भी संविधान प्रचलित रहे, 1975 का संविधान, 1978 का संविधान। तो ये इसकी संवैधानिक यात्रा चली है, इसके संविधान की क्या विशेषताएँ हैं, इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो जितना भी मैंने आज आपको बताया है इसका आप अपने स्वयं घर पर अध्ययन कीजिए और अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए।